जैसल पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मोमिनपुरा परिसर में गश्त के दौरान पुलिस को दो व्यक्ति संदेहास्पद स्थिति में सुजुकी एक्सेस गाड़ी पर जाते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने दोनों को रोकने को कहा, पर दोनों तेज रफ्तार गाड़ी से भाग निकले। पुलिस ने पीछा कर दोनों को धर दबोचा। जांच करने पर एक आरोपी के पास से 3 मोबाइल फोन मिलने पर पुलिस ने अधिक जांच करने पर दोनों कुख्यात आरोपी होने का पता चला। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर 1,91,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। तहसील पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मोमिनपुरा परिसर में गश्त के दौरान दो लोग संदेहास्पद अवस्था में दिखाई दिए। पुलिस द्वारा जांच करने पर एक आरोपी के पास से 3 मोबाइल जब्त किए गए। पूछताछ करने पर सही जवाब नहीं देने से पुलिस को संदेह हुआ। अधिक जांच करने पर दोनों आरोपी रिकॉर्ड के आरोपी होने की बात पता चली। आरोपी के नाम शुभम उर्फ शूटर श्यामराव निवारे सेवादल नगर निवासी, तो दूसरा आरोपी स्वप्निल उर्फ मोनू भीमराव नाइक भांडे प्लॉट सांभार मोहल्ला निवासी बताए गए हैं। दोनों आरोपियों पर चोरी जबरी चोरी के साथ साथ शुभम उर्फ शूटर पर हत्या जबरन चोरी के मामले भी दर्ज होने की जानकारी तहसील पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर द्वारा दी गई है। दिनांक 21 फरवरी की रात हमारे अधीनस्थ हेड कांस्टेबल समीर से हेड कांस्टेबल नाजीर सचिन और प्रवीण ये आस्थापना बंद कर रही थी, मोमिनपुरा के दुकान बंद कर रहे थे। उस दरमियान भगवागर चौक से गाड़ी जोर से जा रही थी तो हमारे लोगों ने वो गाड़ी को पकड़ा। गाड़ी में मोटरसाइकिल में दो लोग बैठे थे, उसमें एक शुभम उर्फ शूटर श्यामराव निवारे उम्र 25 साल राहनार भांडे प्लेट पी ए सक्करदरा और दूसरा था स्वप्निल उर्फ मोनू भीमराव नाईक उम्र 32 साल भांडे प्लेट झुपड़पट्टी पी एस सक्करदरा। जबकि दोनों गुंडेगार शहर के नामांकित गुंडेगार होने से हमारे लोगों को उस पर डाउट आया, उनसे पूछताछ की और उनको तहकीक करने के लिए पुलिस स्टेशन में लाया। तब पता चला कि जो आरोपी शुभम उर्फ शूटर है उसके पास जो मोटरसाइकिल है वो चोरी की है, तो उनको पूछताछ जारी रखे तो उनके पास से हमको तहसील की 2 मोटरसाइकिल, पी एस सीताबर्डी की 1 मोटरसाइकिल, पी एस पाचपावली की 1 मोटरसाइकिल, इस प्रकार हमको 5 मोटरसाइकिल और पी एस बर्डी की 1 मोटरसाइकिल, इस प्रकार उनके ताबे से हमने 1,20,000 की 5 मोटरसाइकिल जब्त किए और उनके पास चोरी के मोबाइल मिले जिनकी कीमत 70,000 रुपये है और कुछ चोरी का सामान मिला 1,500 रुपये का। ऐसा कुल 1,95,000 रुपये का माल दोनों आरोपी से जब्त किए। आरोपी का विद्यमान कोर्ट से PCR लिए और PCR में पता चला कि जो आरोपी नंबर 1 है शुभम उर्फ शूटर, ये सर का कुख्यात गुंडेगार है। ये अभी 8वें महीने में 1 साल MPD के अंतर्गत सजा भुग के आया है और उसके ऊपर PS अजनी में मर्डर का गुन्ना दाखिल है, PS सक्करदरा में 392 के गुन्ने दाखिल है और चोरी जबरी चोरी दुखापत इनके गंभीर गुन्ने उनके ऊपर दाखिल है। दूसरा जो आरोपी है स्वप्निल उर्फ मोनू भीमराव नाईक, ये भी साइकिल चोरी मोटरसाइकिल चोरी जबरी चोरी का कुख्यात आरोपी है। अभी इसी प्रकार हमारी टीम ने ये 2 लोगों से 5 मोटरसाइकिल जब्त किए हैं और मोबाइल चोरी के जब्त किए हैं। हमें आशा है कि और इनसे कुछ चोरी का माल हम उनसे बरामद करेंगे। इनका विद्यमान कोर्ट से PCR लिया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। हाँ बराबर, अभी फिलहाल तो 2 आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं। अभी इनकी कोई गैंग है क्या और ये जो चोरी की गाड़ी लेते थे किसको बेचते थे, इसका हम तहकीकात कर रहे हैं और पक्के आरोपी की संख्या इसमें बढ़ेगी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,91,000 का मुद्देमाल जब्त किया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BC News नागपुर।